तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू ए वाई प्लस ए प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट तो रियल सर्कल की इक्वेशन दी है। अब बोला सर्कल रियल है और इसका नॉन जीरो रेडियस है। तो हम लोग पहले इसकी कंडीशंस लिखते हैं क्या होती हैं। तो पहले सर्कल की जो जनरल इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हम लोग को जी की वैल्यू मिल रही है माइनस वन और एफ़ की वैल्यू मिल रही है ए। और हम लोग का रेडियस क्या होता है, रेडियस की वैल्यू होती है रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अच्छा बोले रेडियस रियल है, रियल है इसका मतलब कि ये चीज़ जो है ये ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो है। और बोला है नॉन ज़ीरो है इसका मतलब ये इक्वल टू ज़ीरो नहीं होगा यानी कि ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा। यानी जी स्क्वायर क्या था हम लोग का वन प्लस एफ स्क्वायर क्या था ए स्क्वायर प्लस माइनस सी। माइनस सी की वैल्यू क्या आती है हम लोग की ए प्लस थ्री इज इक्वल टू सी। ये मैं इस कलर में लिख दे रहा हूँ तो क्वेश्चन नहीं है ये। तो माइनस सी, सी की वैल्यू क्या आती है ए माइनस थ्री माइनस सी था ये हो गया ग्रेटर दैन ज़ीरो। तो हम लोग की वैल्यू होगी ए स्क्वायर माइनस ए माइनस टू ग्रेटर दैन ज़ीरो। वेवी कर्व जैसा बनना है इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस ए माइनस टू ग्रेटर दैन ज़ीरो। जगह ए कॉमन ले लेंगे तो जगह ए माइनस टू प्लस वन ए माइनस टू ग्रेटर दैन ज़ीरो। तो ये हो गया ए माइनस टू इंटू ए माइनस वन ए प्लस वन ग्रेटर दैन ज़ीरो। वेवी कर्व हम लोग अगर बनाएंगे यहाँ पे तो हम लोग वेवी कर्व में पॉइंट्स आएंगे माइनस वन और टू। तो ये हो गया टू, ये हो गया माइनस वन, पॉजिटिव है सबको इफिशियंट ऐसे जाएंगे ग्रेटर दैन ज़ीरो। तो ये पार्ट हम लोग बोला है और ये पार्ट बोला है। तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या हो गया, हम लोग का फाइनल आंसर हो गया ए बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस वन। ये हमेशा क्लोज ऐसे रहेगा और चूंकि अब इक्वल टू नहीं है तो ये भी ऐसे यूनियन टू कॉमा इन्फिनिटी। ये हम लोग का हो गया आंसर।